सरकार को तुमसे मेडल की कोई उम्मीद नहीं, जीत पाओगे। फाइनली दोस्तों, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चल रही सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां और अजय देवगन की फिल्म मैदान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस आज अपडेट होकर आ चुके हैं। और दोस्तों, ये दोनों ही फिल्में आज अपने छठे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल कर रही है, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस साल रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म पुष्पा 2 से जुड़ी एक बड़ी अपडेट के बारे में, क्योंकि दोस्तों अब ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली 2 के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाली है। और दोस्तों, अब इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन तीनों ही फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पुष्पा 2 का जो फर्स्ट डे कलेक्शन है वो हिंदी में कितना हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चल रही सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म मैदान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर आज अपने 6 दिन पूरे कर रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अमित शर्मा के डायरेक्शन में बनने वाली एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है मैदान, जिसके लीड में दोस्तों आपको सुपरस्टार अजय देवगन सैयद अब्दुल रहीम के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं। अजय देवगन की एक्टिंग, उनकी डायलॉग डिलीवरी और उनकी परफॉर्मेंस फिल्म में जबरदस्त है। तो वहीं दोस्तों, उनका साथ दिया है यहाँ पर प्रिया मणि और गजराज राव ने। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि लगभग 150 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली मैदान को ऑल ओवर इंडिया में 2000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जहां पर इस फिल्म ने दोस्तों अपने पहले दिन तो नॉर्मल ओपनिंग ली और दोस्तों पैड प्रीव्यूज को मिलाकर ये फिल्म 7 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से आउटस्टैंडिंग रिव्यूज मिलना शुरू हुए, वैसे वैसे दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। बताते चले दोस्तों आपको कि अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने वाली इस फिल्म ने दूसरे दिन 2,80,00,000 रुपए कमाए, लेकिन दोस्तों अपने तीसरे दिन ये फिल्म 5,65,00,000 रुपए कमाने में कामयाब रही। और अपने चौथे दिन यानी कि पहले संडे में इस फिल्म के कलेक्शंस में एक बार फिर ग्रोथ देखने को मिली और इस फिल्म ने कमाए 6,52,00,000 रुपए। इस तरह से दोस्तों ये फिल्म 4 दिनों में इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 22 करोड़ रुपए कमा चुकी थी, तो वहीं दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 32 करोड़ रुपए कमा चुकी थी। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के वीकडेज के कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि कल इस फिल्म का पहला दिन था और इस फिल्म ने अपने पहले दिन यानी कि पहले मंडे में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच किया है, जो कि एक तरह से एक बड़ी ड्रॉप है सुपरस्टार अजय देवगन की इस फिल्म को लेकर। ऑडियंस के बीच में जिस तरह का हाइप बना हुआ है, उस हिसाब से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कल अपने 5वें दिन कमाई नहीं कर पाई और मात्र 2 करोड़ रुपए कमा पाई। तो वहीं दोस्तों आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 6ठा दिन है और आज के भी इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो 2,20,00,000 रुपए के आंकड़े को टच कर रहे हैं। ये फिल्म दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर टोटल 27 करोड़ रुपए के आंकड़े को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और लगभग 37 करोड़ रुपए के आंकड़े को दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर आज मिलाकर टच कर रही है। इस फिल्म को दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए काफी लंबा चलना है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म का बजट काफी ज्यादा है। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बड़े मियां छोटे मियां इस साल रिलीज होने वाली सबसे बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसके लीड में दोस्तों आपको अक्षय कुमार के साथ साथ टाइगर श्रॉफ, पृथ्वीराज सुकुमारन, मानुषी चिल्लर और अलाया फर्नीचर वाला नजर आने वाली है। लगभग 300 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली इस फिल्म का डायरेक्शन किया है यहाँ पर अली अब्बास जफर ने और दोस्तों इस फिल्म को पूजा एंटरटेनमेंट ने बनाया है। दोस्तों बताते चले आपको कि लगभग 3500 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली बड़े मियां छोटे मियां को भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन काफी बड़ी ओपनिंग मिली और दोस्तों इस फिल्म ने इस साल की बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। सुपरस्टार अक्षय कुमार की इस फिल्म को 16 करोड़ रुपए से बड़ी ओपनिंग तो सिर्फ हिंदी में मिली, तो वही दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म टोटल 36 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेने में कामयाब रही, जो कि एक तरह से मैदान के 6 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। बताते चले दोस्तों आपको कि अक्षय कुमार के बेहतरीन एक्शन और टाइगर श्रॉफ के साथ उनकी बॉन्डिंग को देखने के लिए ऑडियंस सिनेमाघरों में जा रही है और यही वजह है कि इस फिल्म ने सिर्फ अपने दूसरे और तीसरे दिन को कलेक्शन को मिलाकर ही 75 करोड़ रुपए के आंकड़े को दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर पार कर दिया था। चौथे दिन के कलेक्शन को मिलाकर दोस्तों ये फिल्म टोटल 97 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि अपने चौथे दिन इस फिल्म ने 97 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करते ही इस साल की वन ऑफ द टॉप ग्रोसर फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर इस फिल्म के कल और आज यानी कि दोस्तों अपने 5वें और 6ठे दिन के कलेक्शंस की, दोस्तों कल इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा डाउनफॉल देखा और दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस अपने 5वें दिन के इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 2,70,00,000 रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहे हैं, तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की
बात की जाए तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म लगभग 5.5 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर मिलाकर 102 करोड़ रुपए का हो चुका है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म अच्छा ट्रेंड कर रही है और दोस्तों इंडिया से बेटर कमाई ये फिल्म ओवरसीज में कर रही है। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म के आज अपने 6वें दिन के भी जो कलेक्शन है उसमें एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है और ये फिल्म ओवरसीज से जहां अपने 6वें दिन लगभग 4 करोड़ रुपए कमाती हुई नजर आ रही है तो वहीं दोस्तों इंडिया से इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो आज 3 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो 110 करोड़ रुपए से ज्यादा का दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा, जिसमें दोस्तों ये फिल्म इंडिया से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई नेट में और लगभग 59 करोड़ रुपए की कमाई ग्रॉस में कमा चुकी होगी। दोस्तों बता दें आपको कि अक्षय कुमार की इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर लंबी रिकवरी करनी है और दोस्तों ये फिल्म अगर कंटिन्यू कमाई नहीं करती है तो बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित होगी। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर पुष्पा 2 के बारे में तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुष्पा 2 इस साल रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म है जिसका हम सभी को काफी बेसब्री से इंतजार है। ये फिल्म दोस्तों 15 अगस्त को रिलीज होने वाली थी और इस फिल्म के सामने बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म सिंघम अगेन भी रिलीज होने वाली थी, जिसके लीड में आपको अजय देवगन, अक्षय कुमार और भी कई सारे एक्टर्स नजर आने वाले थे। अब दोस्तों फाइनली सिंघम अगेन की जो रिलीज डेट है उसे पोस्टपोन कर दिया गया है और दोस्तों पुष्पा 2 अब इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सोलो रिलीज होने वाली है और दोस्तों सोलो रिलीज होते ही ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बताते चले कि सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की मच अवेटेड फिल्म है पुष्पा 2, जिसका इंतजार ऑडियंस काफी बेसब्री से कर रही है। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे कि हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज किया जाएगा और दोस्तों इस फिल्म को लगभग 10,000 स्क्रीन पर रिलीज करने की प्लानिंग चल रही है। सिंघम अगेन से क्लेश होती तो दोस्तों इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 6,000 स्क्रीन ही मिल पाती, लेकिन दोस्तों अब ये फिल्म 10,000 स्क्रीन पर रिलीज होगी और दोस्तों जिस तरह का हाइप और बज यहाँ पर पुष्पा 2 के लिए बना हुआ है ये फिल्म इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी। बताते चले दोस्तों आपको कि अल्लू अर्जुन के अलावा इस फिल्म में आपको रश्मिका, फहद फाजिल, सुनील और भी कई सारे एक्टर्स नजर आने वाले हैं, जो कि इस साल रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म है और अपने पहले ही दिन 250 करोड़ रुपए की ओपनिंग दुनिया भर में ले सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या पुष्पा 2 की इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जो ओपनिंग है वो कितने करोड़ की रहेगी और दोस्तों ये फिल्म हिंदी में अपने पहले दिन कितने करोड़ की ओपनिंग लेगी? क्या ये फिल्म KGF के 53 करोड़, जवान के 62 करोड़ और इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली 2 के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।